अगुए जोहानी अहो की लिखी हुई एक फिनलैंड की कहानी। दोनों पादरी के घर में नौकर थे। वो अस्तबल का लड़का था जबकि वो घरेलू दासी थी। वो घोड़ों को चलाता था और ये घर में व्यस्त रहती। खाने के समय जब वे मेज के अलग अलग कोनों पर बैठते तो कभी कभी आपस में मजाक करते थे, परंतु प्राय झगड़ते ही रहते थे। उनके मालिक व मालकिन का ख्याल था कि वो जोड़ा अपूर्व और सबसे पृथक था। वास्तव में कुत्ते और बिल्ली की तरह, जैसा कि लोग कहते थे। परंतु रात को मछली पार्टियों में और दिन में घास सुखाने में, एक दूसरे की सहायता करने में, या फिर दिन में मकई काटने की जो बातें होती, उससे दोनों में अपना घर बसाने का विचार धीरे धीरे दृढ़ होता गया। दूर दलदल की ओर सुनसान स्थान में उन्होंने घर के लिए एक स्थान निश्चिंत कर दिया था। वहाँ जंगल की भूमि थी और उसे केवल साफ करना था। विशाल समतल भूमि पर उगे भोजपत्र के पेड़ों को जोतने बोने का योग्य बनाना था और छोटी नदी के किनारे पर निजी भूमि को चारागाह में बदलना था। यदि वे घर बनाते तो मजदूरी कम थी और आरंभ में कम से कम एक घोड़े और एक गाय की ज़रूरत तो थी ही। इस अवस्था में विवाह में देर हो गई, परंतु एक वर्ष में उनका बंधन और दृढ़ हो गया और प्रतिदिन उनको भविष्य उज्जवल होने के आसार दिखाई देने लगे। अब तक जितनी बचत कर चुके थे उसमें थोड़ा बहुत जोड़ने तथा ये सोचने में कि ज़रूरत के अनुसार धन जुटाने में उन्हें कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी, अपना खाली समय व्यतीत करते थे। कोई स्वप्न में ये नहीं सोच सकता था कि स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा और अपना घर स्वयं बनाने की लालसा उनमें धीरे धीरे कितनी बढ़ रही थी, कितनी बढ़ रही थी उस लड़के और लड़की में। पादरी के घर में समय इतनी अच्छी कट रहा था कि उन्हें खाने और कपड़े की कोई चिंता नहीं थी, फिर भी उनके दिल सुनसान स्थान से जुड़े थे। जब गर्मी के मौसम में उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उन्हें हर कोई चेतावनी देने लगा। वहाँ दूर केवल पाले की भीषणता और उत्पात है और तुम केवल उधार के नीचे दब जाओगे। परिवार जल्दी बढ़ता है और हमारे यहाँ पहले ही काफ़ी भिखारी है। परंतु उन्होंने गत 5 वर्षों में मामला ठीक कर दिया और अपने निर्णय पर दृढ़ थे। पुजारी को उन दोनों के विवाह की घोषणा करनी पड़ी। शरद ऋतु में उन्हें घर छोड़ देना था। आने वाली सर्दियों में वे छोटे मकान में रहते रहे। विले अपनी झोपड़ी बनाने में लगा रहा और नियमित पादरी के घर का काम करता रहा तथा ऐनी पुजारी की पत्नी की सीने पिरोने और बुनने में सहायता करती थी। विर्सन टाइट में उनका विवाह संपन्न हुआ। उसका खर्च पादरी के घर वालों ने दिया और पादरी ने स्वयं अपने इस भूतपूर्व नौकरों का विवाह भी अपने घर के बड़े कमरे में किया। परंतु जब नवविवाहित जोड़ा चला गया और पुजारी ने खिड़की के पास खड़े होकर उन्हें रास्ते में लुप्त होते देखा तो चिंतित होकर अपना सिर झुकाया और कहा, युवा जोड़े को प्रयत्न करने दो कि वे क्या कर सकते हैं। परंतु सुनसान स्थान लड़के और लड़की के पास एकत्र पूंजी से साफ होने वाला नहीं है। फिनलैंड का जंगली स्थान इस प्रकार की पूंजी से साफ हो गया। फिर भी पादरी का कहना सत्य निकला। हम पादरी के क्षेत्र में युवा लोग अपने प्यारे मित्रों को उनके नए घर तक छोड़ने गए। हमने गर्मियों का दिन, लंबा दिन वसंत ऋतु किसी हरियाली से भरे जंगल में से जाने में गुजारा और रात नई झोपड़ी के नाश्ते गाते हुए काटी। नए घर के तख्त अभी थोड़े खुरदरे थे। अनचीरी लकड़ी के नुकीले सिरे लकड़ी की गांठों से समतल ढंग से निकल रहे थे और भूरी नदी नई सुधारी गई भूमि पर चारों ओर फैल रही थी। परंतु पहाड़ी की ढलान पर काले तने वाले वृक्षों के बीच ताज़ा राई की हरी शाखें तेजी से चमक रही थी। मकई के लिए साफ किए गए स्थान पर वृक्ष दुर्बलता से लटक रहे थे और सूखे थे। मालकिन के साफ स्थान पर होलिका जलाई और पहली बार गाय का दूध निकाला। विले और मैंने एक पत्थर पर बैठे सायंकाल की दुबली चमकीली धूप में उसे इधर उधर
तल्लीनता से काम करते देखा। वो अभी तक विवाह वाले कपड़े पहने हुए थी। विले को अपनी सफलता पर कोई संदेह नहीं था। यदि हमारा स्वास्थ्य बना रहता है और पाला न पड़े, जैसे मेरे विचारों को पहले से जानते हुए उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि ये दलदल नियमित रूप से पाले का घर है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ पैर चलाता रहता है तो जंगल की ओर आगे ले जा सकता है और धूप के लिए स्थान बना सकता है। फिर यहाँ अभी सायंकाल की कुछ सर्दी है, परंतु अगली गर्मियों में आओ और फिर देखो। मैं गर्मियों में नहीं गया और उससे अगली गर्मियों में भी उन्हें मिलने नहीं जा सका। मैं मानता हूँ कि मैं उन्हें भूल गया था, परंतु एक बार जब मैं घर पर था, मैंने पूछा, वे कैसे हैं? उनको उधार लेना पड़ा था, मेरे पिता ने उत्तर दिया। और एनी बीमार रही थी, मेरी माँ ने कहा। कुछ वर्ष बीत गए, अब मैं विद्यार्थी था और मेरे पास बंदूक और एक शिकारी कुत्ता था। मैं शरद ऋतु की छुट्टियां देहात में व्यतीत कर रहा था। अक्टूबर के एक नीरस दिन में मैं जंगल में घूम रहा था। मुझे एक तंग रास्ता मिला जो मेरा जाना पहचाना प्रतीत होता था। बूंदाबांदी शुरू हो गई, कुत्ता आगे आगे दौड़ रहा था। एकाएक वो गुर्राने लगा, फिर तेज़ी से भौंकने लगा। मैंने अपने सामने घोड़े के चलने की आवाज़ सुनी। उसी समय सड़क के मोड़ पर घोड़ा नजर आया। उसके दोनों तरफ पतले डंडे लगे थे जिनके किनारे भूमि पर खिसक रही थी। गले की लकड़ी से एक सफ़ेद कपड़ा लटक रहा था और पतले डंडों के ठीक ऊपर बंधा हुआ एक कफन का बक्सा था जिसके पीछे विले चल रहा था, जैसे हल वाला अपने हल के पीछे चलता है। उसे अपने बोझ के संतुलन के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ रहा था। वो थका थका सा लगता था। उसके गाल पीले और आंखें बुझी बुझी सी लगती थी। मेरा नाम सुनने के बाद ही उसने मुझे पहचाना। लेकिन ये तुम्हारा बोझा कैसा है? मैंने पूछा। मेरी मृतक पत्नी, उत्तर मिला। मृतक? हाँ, वो मर गई है। थोड़ी पूछताछ के बाद मैंने उनकी संक्षिप्त कहानी सुनी। पहले उधार, बहुत बच्चे, बीमारी और अंत में काम की अधिकता से मृत्यु। अब वो उसे कब्र तक ले जा रहा था, परंतु सड़कें बहुत ही खराब थी। वो केवल यही आशा कर रहा था कि अर्थी चर्च तक ठीक ठाक पहुंच जाए। उसने झटके से लगाम को खींचा और घोड़ा रास्ते से हट गया और सूखे पत्तों में थोड़ी घास ढूंढ रहा था। वो अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। घोड़े को भी वैसे ही बुरी दशा थी जैसे उसके मालिक की दशा थी। वे दोनों हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहे थे। विले ने जाने के लिए कहा और अपने बोझे से बिना अपनी आंखें हटाए अपने रास्ते पर चल दिया। पतले डंडों ने रेतीले रास्ते में दो समांतर नालियां बना दी। मैं उल्टी दिशा में दलदल की ओर गया जहाँ उन्होंने गड्ढा खोदा था, परंतु आधा खोदने के बाद काम बंद कर दिया था। विवाह संबंधी यात्रा से ही मैं रास्ते से परिचित था जो झोपड़ी तक जाता था। बाढ़ के पीछे कुछ दुर्बल गाय धीरे से डकार रही थी और सुअर सहन्स में गुर्रा रहा था। बाढ़ का छोटा दरवाज़ा खुला था। सहन के मध्य में एक खाली चारपाई पड़ी थी और मृतक औरत की चारपाई के कमरे बाढ़ के ऊपर पड़े थे। लकड़ी के नुकीले सिरे जिनसे झोपड़ी बनाई गई थी लकड़ी की गांठों में अब भी लगे हुए थे। लकड़ी की चौखटें जिनके शीशे धुंधले और शुष्क थे में भोजपत्र की लकड़ी के छोटे डिब्बों में मुरझाया हुआ गुले मेहंदी का पौधा था। जंगली स्थान को थोड़ा बहुत साफ करने में वो सफल अवश्य हुआ था। मकई बोने का टुकड़ा जो 2-1 एकड़ था और इससे आधी भूमि जिसको बोने के लिए खोदा गया था जंगल का आरंभ थे, परंतु इस बिंदु पर उसकी शक्ति टूटती प्रतीत हुई थी। परंतु इनके पीछे देवदार का काला जंगल अजय दीवार की तरह खड़ा था, वहीं उसको रुकना पड़ा था। पहले अगुए ने अपना पूरा काम कर दिया।
जितना अच्छा यहाँ किया जा सकता था। उसकी शक्ति और उमंग समाप्त हो चुकी थी, आंखों की चमक बुझ गई थी और विवाह की सुबह का उसका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। उनके बाद कोई दूसरा अवश्य आएगा और झोपड़ी के स्थान को ग्रहण करेगा। संभवतः उसका भाग्य अच्छा हो, परंतु हल्के काम में से आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने आदमी से अनछुआ क्रूर जंगल खड़ा नहीं होगा। वो बनी बनाई झोपड़ी में रह सकेगा और भूमि के उस भाग में बोएगा जिसमें उससे पहले व्यक्ति ने हल चलाया था। झोपड़ी का स्थान निस्संदेह एक बड़ा और कीमती स्थान बन जाएगा और समय आने पर इसके आसपास गांव बस जाएगा। जिन लोगों ने भूमि को अपनी सारी पूंजी युवावस्था की शक्ति से पहली बार खोता था, उनकी बाबत कोई नहीं जानता। वो केवल सरल लड़का और लड़की थे और वे दोनों वहाँ खाली हाथ आए थे, परंतु ऐसे ही लोगों की पूंजी से फिनलैंड के जंगली स्थान को जड़ से साफ करके बड़े एकड़ों में बदला गया है। यदि वे दोनों पादरी के घर पर ही रहते तो वो कोचबान और ये घर की नौकरानी, संभवतः इनका जीवन चिंताओं से मुक्त रहता, परंतु जंगली स्थान उपजाऊ न बन पाता और सभ्यता के पहले स्तंभ के ये जंगल के मध्य में न गाड़े जाते। हमारे खेतों में जब राई के फूल खिले और मक्के की बालें पके, तो आओ हम उस उपनिवेश के इन पहले शहीदों को याद करें। हम उनकी कब्रों पर यादगारें स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कहानियाँ हजारों में हैं और हम उनके नाम तक नहीं जानते।